जो टेररिस्ट है उसे सज़ा दियो, यू नो जो बोरिंग टेररिस्ट टेररिस्ट कर को उनको बाकायदा सज़ा दियो, लेकिन मस्जिद का नाम ये ख़राब करो ना। उनका घर इधर ही जाता है, वो सामने ब्लू कलर में है ना जी। वो उनका घर है, उन ऊपर थे घर को बोले मस्जिद तो अभी वहाँ है, दूर है। देखो यहाँ से मस्जिद भी नहीं दिखती तुम ना, अभी दूर है वो मस्जिद। तो उन्होंने मस्जिद का नाम बदनाम कर रही इधर, मस्जिद का नाम डालकर मस्जिद में मीटिंग करे घर को बोला। इसमें मस्जिद का क्या भी संबंधित नहीं है। मस्जिद को क्या कर रही है, टारगेट बना रही, लैंडमार्क बना रही मस्जिद को। रोड का एड्रेस है थर्ड मेन क्रॉस है, तो मैं आऊँ यहाँ कौन क्रिमिनल है उसे लिया को पकड़ को उन्हें हिंदू रंदे मुसलमान रंदे चिपके तब एक्सपोज कर दो, मस्जिद का नाम बदनाम कर रही है। एक हालिया पेशरफ्त में बेंगलुरु में शहर के अंदर दहशतगर्दाना हमले की मनसूबाबंदी के शुबे में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुश्तबा अफराद को सुल्तान पालिया मेन रोड के कनका नगर मोहल्ले से गिरफ्तार किया गया है, जो कि एक मुस्लिम अक्सरियती इलाका है। मुलजमान पर कत्ल, डकैती, स्मगलिंग और दीगर जरायम के इल्ज़ाम आयद किए गए हैं। बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर बी दयानंदा ने मुश्तबा अफराद से 7 देसी पिस्तौल, खंजर, 45 लाइव राउंड, वॉकी टॉकीज और 12 मोबाइल हैंडसेट जब्त किए हैं। मुलजिमान में सैयद सुहेल, उमर, मुदस्सर, जाहिद, फैसल और टी नज़ीर शामिल हैं। मकामी लोगों का कहना है कि ये कम्युनिटी को सरासर बदनाम करने की कोशिश है और मीडिया झूठी खबरें फैला रहा है। लोगों का दावा है कि मीडिया के मुताबिक दहशतगर्द मंसूबे बना रहे हैं, लेकिन हकीकत में मुकर्रम मस्जिद को निशाना बनाया जा रहा है। मस्जिद कमेटी इसमें मुलव्वस नहीं है। मकामी लोगों का मानना है कि ये मस्जिद और मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करने की एक साजिश है। मकामी बाशिंदों ने यह भी बताया कि 2 माह कबल एक टॉयलेट बोर्ड लगा हुआ था और किराएदारों को बगैर किसी इंक्वायरी के मकान किराए पर दे दिया गया था। नीचे टॉयलेट बोर्ड डाले थे 2 महीने पहले, वो किसे देखूँ, क्या भाड़े को देखूँ, क्या हम ना मालूम नहीं। ओनर ने को पूछे तो मालूम होता, चिपके तब एक्सपोज कर दो, मस्जिद का नाम बदनाम कर रहे हैं ना। मुसलमान आए हैं पूरे आजू बाजू हैं, पूरे ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान आए हैं, मस्जिद से आने जाने वाले सभी मुसलमान हैं। देखे तो ऐसा कर रही, ओनर क्या बोल रहे हैं मालूम नहीं, और उन ओनर से बात करना। हमें आजू बाजू रहती थी, अब हमारा नाम खराब हो रहा, मेरे बाजू की बिल्डिंग मई रही, हमारा से मालूम नहीं कौन किसे कहीं को दिए भाड़े को, और क्या उन्हें भाड़े को पैसा होना, उसे भाड़ा होना होता है वैसा, जो किसे चुन को क्या कर को दिए मालूम नहीं। इंक्वायरी नहीं करे, इंक्वायरी भी नहीं करे, क्या भी नहीं, ऐसा बुल को दे डाले भाड़े को, वो कहाँ वाले हैं, क्या वाले हैं, हम ना मालूम इसने। जो 5 चकमे थे उन्होंने किसी से आजू बाजू मुलाकात नहीं, हमें किसी को कौन भी जानते नहीं, हमें यहाँ से ही यहाँ से रहती हूँ, यहाँ उठना बैठना सब हमारा यहाँ से, ये क्या 1.5 महीना होता है, इन्हों तो बुरा नहीं है, बहुत बुरा नहीं है कि एक महिला वहाँ को होता है, हमें किसी भी दोस्ती भी नहीं थी किसी भी उम्र के साथ। इधर सवेरे से बहुत मीडिया वाले आको इधर कौन की टेररिस्ट है वो कर को बोले को ही इधर, लेकिन कौन टेररिस्ट हमें बराबर मालूम नहीं। लाइव वीडियो में निकाल को इनो हमारा आदमी ही एक कर को बोल रही, जो टेररिस्ट है उसे सज़ा दियो, इनो जो बोल रही टेररिस्ट टेररिस्ट कर को उनको बाकायदा सज़ा दियो, लेकिन मस्जिद का नाम ये ख़राब करो ना। इनके टेररिस्ट के बीच में मस्जिद का नाम ला को इनो बदनामगी कर रही, मस्जिद तो 400 to 500 मीटर्स में दूर में है मस्जिद, नाम के साथ बोल रही है ऐसा मुकर्रम मस्जिदी अली कूदकोंडी मीटिंग मारते रहे, कौन भी ऐसा मीटिंग नहीं करते। अब गैर कौम भी उनके अल्लाह घर में बैठ को मीटिंग करती हैं क्या ऐसा, तो इनो हमारी मस्जिद में बैठ को ऐसा मीटिंग कर रही, ऐसे टेररिस्ट के काम कर रही करें, लेकिन ये हमारे कौम को बदनाम करने का काम ये, जो आदमी उन्हें करा उसे सजा दियो। उनका घर इधर ही जाता है, वो सामने ब्लू कलर में है ना जी। वो उनका घर है, उन ऊपर थे घर को बोले मस्जिद तो अभी वहाँ है, दूर है। देखो यहाँ से मस्जिद भी नहीं दिखती तुम ना, अभी दूर है वो मस्जिद। तो उन्होंने मस्जिद का नाम बदनाम कर रही इधर, तो मस्जिद में बैठ कर मीटिंग कर रही, मस्जिद से हो रहा यहाँ वलेज कर रही, वहाँ चलती थी मीटिंग बोल रही, मस्जिद की फ़ोटो डाल रही जानबूझ को, ऐसा मीडिया में निकाल रही, तो नाम आज की फ़ोटो डाल रही, ये बोल रही कि इधर मीटिंग ही जिधर चले गो थी कभी भी कर को, कौन भी मस्जिद में मीटिंग नहीं करता, अल्लाह के घर में नमाज़ पढ़ने जाती हैं सब, मीटिंग करने नहीं जाते हैं। बदलाम नहीं करना हमारे कौम को आदमिया हमारे। ये सुल्तान पाड़िया मेन रोड भुवनेश्वरी नगर 13 मेन थर्ड मेन क्रॉस से, इधर कौन की क्या की करदा ले कर को बोल को, वो थर्ड मेन रोड में अंदर इधर क्या की मिला, क्या की किधर की कर को बोल को, उनको आको पकड़ ले, कल रात को पकड़ ले को चले गए, हम ना मालूम नहीं, हमें हमारे काम में रहती हमारे घर में रहती।
ये सुबह ही मीडिया वाले कणा न्यूज़ वाले दूसरे तीसरे उन्होंने जिन्हों ही मस्जिद का नाम डाल को मस्जिद में मीटिंग करे करके बोला, इसमें मस्जिद का क्या भी संबंध नहीं है। मस्जिद को इन्होंने क्या कर रही, टारगेट बना रही, लैंडमार्क बना रही मस्जिद को। रोड का एड्रेस है थर्ड मेन क्रॉस है, तो मैं आऊँ यहाँ कौन क्रिमिनल है उसे ले लिया को पकड़ को, उन्हें हिंदू रंधे मुसलमान रंधे उसे ले लिया, तुम्हें उसे सजा दियो। मस्जिद के नाम तक मस्जिद की बात उठाने की जरूरत क्या भी नहीं है। मस्जिद क्या जाको सबके घर में झांक ले को है क्या, उन्हें क्या रख ले उन्हें क्या रख ले, मोहल्ले की मस्जिद चार आवाम की मस्जिद, चार जने जाती नमाज पढ़ती अल्लाह का घर वहाँ तक सही है। मस्जिद का नाम लेने की जरूरत ही नहीं थी वो मीडिया वाले हमको, मस्जिद का इसमें क्या भी नहीं है। उन्होंने मस्जिद को लैंडमार्क बना दल को, आर्च पकड़ ले को हमारा ले लगा, मस्जिद को लैंडमार्क बना दल को पूरा उन्होंने वायरल कर दल को, मस्जिद मस्जिद करके बोल को मस्जिद का नाम उठा दल को, मस्जिद को कहीं को दिखा रही उन्होंने बोलना भुवनेश्वरी नगर सुल्तान बढ़िया थर्ड मेन क्रॉस करके बोल को बोलना है। पूरे मस्जिद के जिम्मेदार मोहल्ले के जिम्मेदार जिनको भी मालूम हुआ पूरे घर में थे, ऐसा मस्जिद का नाम आते मन जो जिनों जिनों न्यूज़ देख लेते पूरे जने इधर थर्ड मेन क्रॉस को आए, आने के बावजूद क्या हुआ पूरे अंग को बात करे, बात करने के बाद वो मीडिया वाले अंग को तुम्हें ये डिलीट करो इसमें मस्जिद का क्या भी नहीं है, तो उन्होंने भी माने वो क्या चल रहा क्या नहीं वो अल्लाह को मालूम है। वो अब वो हमारे MLA साहब के पास भी गए थे कहते उन्होंने उनको जाकर उनको पूछते कहते तुम्हारा वार्ड में ऐसा चल रहा को है ना कैसा आकर को बोल को, उन्होंने क्या घरे घर आकर झांग ले को इनका वार्ड है, उन्होंने हमारे MLA साहब भी इन्होंने हमारे इन्हों भी आए थे कांग्रेस क्या वाजिद साहब भी आए थे हमारे काउंसलर साहब, उन्होंने भी आकर बात करे, बात करने के बाद वो मस्जिद का नाम निकालती करके बोले वो क्या करें अल्लाह को मालूम है।